क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज क्लास क्या बोला है इसके अंदर एबीसीडी एक ट्रिपेसियम है देखो a, B, C, D, जो यहां पे आपको फिगर भी दिया हुआ है क्वेश्चन में ये एक ट्रिपेसियम है ए बी सी डी इज गिवन टू यू आगे बोला है कि इस ट्रिपेजियम के अंदर ए बी जो है वो पैरल है सी डी के यू कैन से दिस लाइन ए बी इज पैरल टू सी डी ओके एंड ए बी सॉरी ए डी एंड बी सी मतलब कि दिस ए डी इक्वल टू बी सी ये दोनों जो हैं वो नॉन पैरल लाइन हैं और दोनों इक्वल हैं और ए बी जो है वो पैडल है आपके डी सी के ये चीजें आपको गिवन है तो आपको प्रूव करना है ऐसा तो हर ट्रिपेजियम में होता है है ना देखो ट्रिपेजियम की थोड़ी थोड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता देता हूँ दो तरीके के ट्रिपेजियम होते हैं एक होता है आइसोसलिस ट्रिपेजियम जिसमें ये दोनों ना इक्वल होते हैं और एक होता है इसकेलेन ट्रिपेजियम या फिर बोल दो कि नॉन इक्वल ट्रिपेसियम जिसमें ये दोनों जो नॉन पैरल साइड्स होती है वो इक्वल नहीं होती है तो यहाँ पे दोनों इक्वल दे रखी है आपको तो इस कंडीशन में आपको प्रूफ करना है कि एंगल ए होगा वो एंगल बी के बराबर होगा ठीक है ये ट्रिपेजियम है तो यू हैव टू तो प्रूव दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल ओके तो ये एक पहली चीज प्रूफ करनी है और सी डी के इक्वल होगा ये जो एंगल होगा सी वो डी के इक्वल होगा ये चीज भी आपको प्रूफ करनी है उसके अलावा आपको और क्या प्रूफ करना है आपको ए बी सी अब ए बी सी कहाँ है भाई ए बी और सी अगर मैं इसको ऐसे तरीके से ड्रॉ करूँ ये जो एक आ, बोल सकते हो ट्राइंगल बनेगा ए बी सी ये कॉन्ग्रेंट है बी ए डी के बी ए डी के इस तरीके से ये दोनों के दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे या बोल दो कॉन्ग्रेंट होंगे एग्जैक्टली सेम होंगे और साथ साथ हमको प्रूफ करना है कि डायनल ए सी दिस एसी इज विल बी इक्वल टू बी डी मतलब कि ए सी विल इक्वल टू बी डी ये भी आपको प्रूफ करना है तो कैसे कैसे ये सारी चीजें प्रूफ करनी है ध्यान से देखो अगर सबसे पहली बात करें तो एंगल प्रूफ करना है इक्वल एंगल ए को एंगल बी के इक्वल प्रूफ करना है कैसे इक्वल प्रूफ कर सकते हैं देखो इक्वल इस तरीके से प्रूफ कर सकते हो आप कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना यहाँ पे क्या ले ले सकते हैं हम लोग सो so, पे हमें एंगल ए और बी को क्या करना है इक्वल प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे तो आपको एक चीज बता देता हूं मैं कैरेक्ट्रिस्टिक बता देता हूं जो आइसोसलिसम होता है ना ध्यान से सुनो मेरी बात जो आइसोसैलिसियम होता है क्या होता है आइसोसैलिसियम जिसके नॉन पैरल साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं दिस इक्वल टू दिस उस ट्रपेजियम के अंदर याद रखना हमेशा उस ट्रिपेजियम या फिर वैसे ट्रिपेजियम के अंदर आपका जो डाइगनल्स होते हैं उस ट्रिपेजियम के अंदर जो डायग्नल होते हैं वो हमेशा आपको इक्वल मिलेंगे ओके आप बोल सकते हो कि ट्रिपेजियम जो होगा जो कि आइसोसेलिस होगा आइसोसेलिस ट्रिपेजियम मैंने बताया आपको कि एक ऐसा ट्रिपेजियम जिसके अंदर दोनों के दोनों नॉन पैनल साइड्स क्या है इक्वल है दिस साइड इक्वल टू दिस साइड और जो कि आपको गिवन भी है तो इसमें जो डायग्नल मिलेंगे वो दोनों क्या मिलेंगे ऑलवेज विल बी इक्वल ओके याद रखना है वो डायग्नल हमेशा इक्वल होंगे ओके okay, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है ये एक प्रॉपर्टी है एक आइसोसलिसम की सो आई होप यू गोट भी एक आपको दिया हुआ है तो यहां पे भी आप बोल सकते हो कि बी जो होगा ए के क्या होगा इक्वल होगा तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ऐसे ही गिवन की वजह से ही सॉल्व हो गया लास्ट वाला देखो कि डायगनल इक्वल प्रूफ करना है ठीक है ये आपको ऐसे ही प्रूफ हो गया अब आपको ना बुक वगैरह में कई जगह है ना ऐसे मिलेगा यहाँ पे आगे बढ़ा रखा होगा कंस्ट्रक्शन कर रखा होगा वो करने की जरूरत आपको है नहीं अगर आपको यहाँ पे लिखोगे दिस इज आइसोसलिस्ट ट्रिपेजियम तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती है तो आपका क्वेश्चन सही मानना पड़ेगा एग्जामिनर को ठीक है तो उस देखो बच्चे को कंस्ट्रक्शन याद नहीं रहती है किसी को भी याद नहीं रहती है कि कंस्ट्रक्ट करना है कि नहीं करना है इसमें हमें तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्ग्रेंट uh, करना आता है क्योंकि पूरी नाइन्थ क्लास कॉन्ग्रेंट पर खेलती है तो हम यहाँ पे सिर्फ कॉन्ग्रेंसी लगा सकते हैं तो यहाँ पे कौन कौन से ट्रेंगल को लेके यहाँ पर कॉन्ग्रेंसी लगानी है वो देखना है यहाँ पे तो हम यहाँ पे एक लेंगे कौन सा ट्रेंगल लेंगे एक हाँ आपको लेना पड़ेगा एक ट्रेंगल ए डी बी ये वाला ट्रेंगल लेना पड़ेगा एक तो ये वाला ट्रेंगल ले लो ठीक है जिसके अंदर देखो ये वाला एंगल आ रहा है ठीक है दूसरा आपको कौन सा ट्रेंगल लेना पड़ेगा नेक्स्ट यू हैव टू टेक दिस ट्रेंगल ए बी सी दिस ट्रेंगल जिसको मैंने अभी ग्रीन से बनाया एक ये ट्रेंगल लेना पड़ेगा ठीक है तो ये दोनों ट्रेंगल्स आपको लेने पड़ेंगे येल्लो जिससे बनाया है और ग्रीन जिसको मैंने बना रखा है इन दोनों ट्रेंगल्स को क्या करना है आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है क्योंकि जो एंगल ए है और जो बी है वो दोनों इन्हीं ट्रेंगल्स में आता है तो यहाँ पे हमको यही करके सॉल्व करना है ध्यान से देखो तो सबसे पहले गिवन टू प्रूफ तो आप लिख लोगे आई होप यू कैन राइट इजीली इतने तो आप समझ गए कि कैसे करना है अब क्या करना है यहाँ पे गिवन टू प्रूफ आप लिख सकते हो गिवन क्या है जो आपको दे रखा है चलो मैं लिख देता हूँ so आपको दे रखी है AB है है ए बी सी एक आपके डी के और ए ए डी इक्वल टू बी सी इसके बाद में हमें जो प्रूफ करना है आप चाहो तो चारों को एक साथ लिख सकते हो चाहो तो एक एक करके लिख सकते हो तो यहाँ पे आपको लिखना होता है टू प्रूफ जो चीज आप प्रूफ करने वाले हो तो यहाँ पे यू कैन राइट फोर थिंग्स टुगेदर नो प्रॉब्लम चारों को एक साथ लिख लो पहला जो आपको प्रूफ कर जो प्रूफ करना है वो है आपका एंगल ए बी के इक्वल है सी डी के इक्वल है दोनों ट्रैंगल्स को आपको कॉन्ग्रेंट प्रूफ करना है ए बी सी को बी डी के और डायगोनल ए सी जो है वो डायगनल बी डी के इक्वल है ओके सो अब हम इसको करेंगे प्रूफ ओके ये तो प्रूफ करना है और अब अब इसको प्रूफ करेंगे तो नंबर वन टू थ्री ऐसे करके करेंगे तो नंबर वन से स्टार्ट करते हैं एंगल ए को बी से इक्वल प्रूव करने के लिए हमें यहाँ पे दो ट्रैंगल्स लेने पड़ेंगे फ्रॉम ट्रैंगल ए बी डी एंड ए बी सी बोल सकते हो आप ए बी डी एंड बी ए डी सी ए बी डी बी ए सी फ्रॉम ट्रैंगल ए बी डी एंड ट्रैंगल बी ए सी ठीक है ये दोनों ट्रेंगल्स आपको लेने पड़ेंगे अब इन दोनों ट्रेंगल्स में क्या है आपका क्या क्या इक्वल है क्या क्या इक्वल नहीं है वो हमको ध्यान से देखना पड़ेगा और उसके बाद में हम इसको सॉल्व करना पड़ेगा सो अभी हम सॉल्व करते हैं इसको देखो यहाँ पे कांग्रेनसी लगानी पड़ेगी तो कांग्रेनसी लगाने के लिए आपको पता है कौन कौन सी चीजें इक्वल है ए डी इक्वल टू बी सी तो ए डी बी सी के इक्वल है एज वेल एज ए बी इक्वल टू ए बी क्यों कॉमन है तो ए डी और बी सी दोनों ठीक है डी जो है वो सी के इक्वल है क्यों है इसका रीजन क्या लिखना है आपको गिवन है ठीक है उसके बाद में ए बी इक्वल टू ए बी बी इक्वल टू ए बी रीजन कॉमन ये दो ये साइड क्या है दोनों के लिए ही कॉमन है डी इक्वल टू सी बी डी इक्वल टू ए सी ओके रीजन क्या लिखना है देखो ये दोनों क्या है डायगनल्स हैं अब डायगनल इक्वल कब होते हैं गिवन लिख सकते हो क्योंकि डायगोनल तब होते हैं जब आइसोसेलिस ट्रिपेसियम होता है गिवन लिख दो या फिर लिख दो आप यहाँ पे uh, ट्रिपेसियम ट्रिपेसियम ओके okay? ये दोनों रीजन ओके okay? तो यहाँ पे तीन साइड हमने इक्वल प्रूफ कर दी दो ट्रगल्स की तो बाकी की सारी तीन एंगल्स बचे वो भी इक्वल होंगे सिंपल ओके सो वी कैन राइट हेयर द थ्री साइड्स इज इक्वल देन वी कैन से द थ्री एंगल विल बी ऑल्सो इक्वल So, यहाँ पे तीनों के तीरों जो हैं वो उनकी कॉन्ग्रेंस यहाँ पे लग जाएगी एस 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 से हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रेंगल ए बी डी टू ट्रेंगल बी ए सी रीजन लिखना है तो एस 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 से सिंपल वेरी सिंपल अब यहाँ पे एस 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 आपका लग चुका है मतलब कि साइड 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 से कॉन्ग्रेंट से आपने प्रूफ कर दिया है. अगर साइड 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 से आपने इनको कांग्रेन कर दिया है तो यहां पे बची हुई अब आपको क्या प्रूफ करना था एंगल ए और बी है ना तो एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी क्योंकि बाय बाय रीजन लिखोगे अब सीपीसी का मतलब सब जानते होंगे गए पार्ट्स आर इक्वल ऑफ कॉन्ग्रेंट एंगल तो हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिया था एंगल ए और बी क्या है कॉरस्पोंडिंग पार्ट्स हैं मतलब एंगल्स हैं

कलर चेंज uh, करके यहाँ पे ड्रॉ करते हैं एक मिनट देखो यहां पे जो ट्रेंगल लेना है वो लेना है आपको डी बी सी दिस ट्रेंगल यू हैव टू टेक दिस ट्रेंगल एक तो ये ट्रेंगल लेना है और कौन सा ट्रेंगल लेना है लेट मी चेंज द कलर अगेन ओके और एक आपको ये ट्रेंगल लेना है ये ट्रेंगल लेना है ये दोनों ट्रगल आपको लेना है अब इन दोनों को भी कैसे क्या करना है इन दोनों को भी आपको प्रूफ करना है कि कैसे डीसी जो है वो तो आपका कॉमन हो गया पहली चीज दूसरी चीज यहां पर आपके डायगेल्स इक्वल है दूसरी चीज उसके अलावा और क्या है ए डी इक्वल है बी सी के ये तो गिवन है तो बस एस 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 से ये भी ऐसे ही सेम आपका प्रूफ हो जाएगा ये दोनों के दोनों ए डी सी एंड बी सी डी ये दोनों ट्रेंगल क्या हो जाएंगे ये दोनों ट्रेंगल आपके आप बोल सकते हो कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे अगर कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गए ये दोनों ट्रेंगल तो आप बोल सकते हो कि ये दोनों के अंदर आने वाले एंगल्स मतलब दिस डी एंगल विल बी इक्वल टू सी एंगल ओके तो सिमिलरली आप प्रूफ कर सकते हो okay? होके तो डी ए सी ट्रेंगल और सी बी डी ट्रेंगल दोनों से आपको कॉन्ग्रेंसी लगानी है तो यहाँ पे हमने क्या लिया था ए बी कॉमन लिया था एक तो नीचे वाला जो था सॉरी डी सी कॉमन लिया था तो डी सी इक्वल टू डी सी लिख सकते हो रीजन लिख सकते हो डी सी इक्वल टू डी सी रीजन क्या लिख सकते हो कॉमन ओके नेक्स्ट आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे डी सी के बाद में डी सी इक्वल टू डी सी कॉमन और यहाँ पे लिख सकते हो ए डी इक्वल टू बी सी ए डी बी सी के इक्वल होगा दिस विल बी इक्वल टू दिस एंड ए डी बी सी ए डी क्वल टू बी सी गिवन है गिवन ओके okay? उसके अलावा यहां पर डायगनल कौन कौन से आपके ए सी इक्वल होगा बी डी के ये तो आपको पता है कि ट्रिपेसियम है बिकॉज ए बी सी डी इज आइसोसेल ट्रिपेसियम ओके तो ये तीनों की तीनों साइड क्या हो गए इक्वल सो यू कैन राइट हेयर सो ट्रेंगल डी ए सी विल बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रेंगल सी बी डी सिमिलरली बस और कुछ नहीं करना ये आपको दोनों कॉन्ग्रेंट मिल गए अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो यहाँ पे जो एंगल आपको प्रूफ करना है एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल डी बाय सी पी सी टी बाय सी पी सी टी सिंपल एंड सॉल्व क्वेश्चन so आपका हो गया ए बी के इक्वल हो गया सी डी के इक्वल हो गया नाउ वी विल सॉल्व द कॉन्ग्रेंट प्रूव करना ए बी सी को ए बी सी को ए बी सी और बी ए डी देखो बी ए डी ये दोनों अभी अभी किए हैं हमने तो ये तो हो गया सॉल्व ऑलमोस्ट और चौथा क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं देखो क्योंकि अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो डायगनल्स भी इक्वल होंगे या बोल दो कि डायगनल्स तो आपके आइसोसोलेट पेजियम है इसलिए होंगे तो ये थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आपको खुद को करना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर आपसे ये नहीं होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर और दिस क्वेश्चन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स थैंक यू